उसको देने से वो प्रसन्न हो जाते। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो, आपकी भाई और बहने जय सकी है वल्लभी है, लेकिन है जो परिवार अपने परिवार के अच्छा परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, दिल से रहम आने। बाप दादा देख रहे थे कि विश्व के अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ परिवार के पुरुषार्थ के तीव्र गति के लिए स्व उन्नति के लिए भी रहम दिल की आवश्यकता है। स्वोन्नति के लिए स्वपर जब रहम दिल बनती है, रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य प्रति कि मैं कितनी ऊंचे ते ऊंची बाकी वही आत्मा पाप समान बनने के लक्ष्यधारी हो। उस परमान अगर कोई भी मोरिस्टल पाप समान श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम, अपने दिल का रहम कमियों से फैलाग दिला दे। ओम शांति। अवेक्ट सिग्नल्स इम्बाइब द वर्चुअल्स ऑफ स्वीटनेस एंड ह्यूमिलिटी।
Father Brahma was always humble and was such a server that he was ready to even massage the children's feet. Children are ahead of me. Children can give better lectures than I can. He never said, I first. When he said, the children are in the front, the children first, the children are greater, is not putting the self down, but in fact, put himself higher. To give respect to others and to be humble is to uplift others. This giving is a form of receiving from for all time. Om Shanti, welcome to Vyakti Parivar. Today is day 25. Om Shanti, swagat hai sabhi ka Vyakti Parivar mein. Aaj 25 April hai, man mana bhav ke topic mein hum dekhenge sukh ka sansar. इस विषय पर दीदी से सुनेंगे. ओम शांति एवरीवन. ओम शांति सभी को. आई थिंक दैट इफ ईच वन ऑफ यू, मैं समझती हूँ अगर हर एक को अगर मेरे तरह बोलने का चांस मिले तो आपके पास तो बहुत होगा ना बोलने के लिए. कुछ कहना है तो बाबा ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया तो मैं कह रही हूँ. लेकिन मैं सोच रही थी कि होमवर्क करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम उसमें उसकी खोज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उस अभ्यास के द्वारा फिर ये एकदम क्लियर हो जाता है कि कैसे वो गुण काम करता है. जैसे मैं सोच रही थी कि परमात्मा का प्यार क्या होता है, परमात्मा स्नेह कैसा है, एकदम गुप्त है ना. मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ति महसूस होती है. हर रोज मुझे समाचार मिलता है, मैं देखती हूँ, कई कई जगह से देखती हूँ, 20 कुमारियां समर्पित हो गई है, 20 कुमारियां वहां समर्पित हो गई है, और बहुत सारे भाई, बहुत सारे फैमिलीज बाबा के यज्ञ में समर्पित हो रहे हैं. तो इतने इंडिया में तो इतने हैं. और मैं कहती हूँ कि लोग भी कहते कि बाबा नहीं है, दादियां भी नहीं है, तो किसको समर्पित हो रहे हैं? शिव बाबा को समर्पित हो रहे हैं ना. तो जरूर वो शिव बाबा का स्नेह, वो अपनापन महसूस कर रहे होंगे, फील करते होंगे, तभी तो वो खुशी से अपनी जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है बाबा की सेवा में, बाबा के यज्ञ में. और इतने सारे हैं जो बाबा के प्रति उनकी इतनी अच्छी अच्छी शुभ भावनाएं होती है, सहयोग देने की, मदद करने की. तो बाबा के यज्ञ में चाहते हैं कि अपना सहयोग दे, बाबा के कार्य में अपना सहयोग दे. क्यों? क्योंकि भगवान का कार्य है. तो हर एक अपने आप से पूछे कैसे मैंने अनुभव किया आज दिन तक, मैं कैसे भगवान का प्यार अनुभव कर रही हूँ. कम से कम मैं तो ये समझती हूँ कि थोड़ी भी अगर परमात्मा की पहचान है, समझ है जो हमें मिलती है, जिसके कारण फिर हम अपना पार्ट प्ले करते हैं, सेवा में हाजिर होते हैं, तो उसका कारण बाबा का प्यार है. क्योंकि उसका प्यार इतना निस्वार्थ है, इतना शुद्ध है, वो नहीं देखता है कि आपने क्या दिया, आप क्या हो, कैसे हो. नहीं, बस वो आपकी विशेषता, आपकी शुद्ध क्वालिटीज को देखता है, आपके दिल में क्या है वो देखता है, और उसके आधार से फिर हमें वो सेवा के लिए जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना. क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि फिर जब आप इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि आप बाबा के ज्ञान में हो और आपको थोड़ा योग करना है या सेवा करनी है,
तो ये तो परमात्मा प्यार है ना, स्नेह में हो के आप तभी सहयोग देने की भावना आती है। तो हमें हर एक को ये बात हेल्प करेगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम स्नेही बने हर समय हर पल, सदा सभी से प्यार हो हमारा। और जैसे हमने सुना कभी कभी बहुत छोटी बातें होती है, छोटी सी मदद चाहिए होती है, छोटा सा सपोर्ट चाहिए होता है, और उसमें लोगों को बहुत खुशी का अनुभव हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ सभी से कि अगर आप कहीं जाते हैं और लोग आपके लिए कुछ कर्म योग कर रहे हैं और आप कहो कि हाँ ये उनकी ड्यूटी है, वो अपना काम कर रहे हैं तो ठीक ही है, मैं कहीं बहुत समय के लिए नहीं गई हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ आपको कोई मदद चाहिए, आप सब ठीक हो, आपको कुछ चाहिए, लोग कुछ खा रहे और आप वहां से गुजर रहे तो आप कहे कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं। ये नहीं कि मेरी ड्यूटी है, मेरा डिपार्टमेंट है, नहीं, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्नेह है, स्नेही हूँ मैं। I remember because I had been instrument for many times for kind of bigger yagya. मुझे याद है क्योंकि मैं निमित्त बनी हूँ कई बार बड़े यज्ञ को संभालने के लिए, तो बहुत ही साधारण रीति से बस पूछना है कि आपको कुछ चाहिए। मैं मुझे भी जब मैं यहाँ आती हूँ मैं कलाबेन से देखती हूँ, आपने पूछा सभी को कि सभी के पास मोजे है, सॉक्स है, जैकेट्स है, अगर उनके पास है भी उनको चाहिए नहीं चाहिए ये नहीं, लेकिन एक बार तो आप पूछे। मुझे याद है एक बार थोड़े भाई से कुछ काम कर रहे थे और वो दादी जानकी के बारे में कुछ बात कर रहे थे, और मैंने कहा, मैं उस समय सोच रही थी और मैंने कहा कि ऑक्सफर्ड में अगर 5 बजे और दादी हमें नहीं देखती है या 6 बजे और दादी हमें नहीं देखती है, वो दादी कहेंगी वो भाई कहाँ है जो कर्म योग कर रहे थे, वो कहाँ है, वो जहाँ भी वो नहीं देखती है तो वो उसी जगह पर जाएगी जहाँ वो सोचते होंगे, और फिर दादी टॉफी लेकर आएगी, दादी स्नैक्स लेकर आएगी, दादी कहेंगे इनको ये दो, इनको ये खाने दो, और वो बात हमारे दिल को इतनी छू जाती थी, हमारी सारी थकावट दूर हो जाती थी क्योंकि प्यार की भावना इतनी महसूस होती थी। तो जहाँ भी हम हैं तो वहाँ आप ये स्वाभाविक रीति से अपना स्वभाव बनाओ कि पूरा करना कि कोई उनको ये भासना है कि कोई मेरे लिए केयर कर रहा है, कोई मेरे लिए देख रहा है, ऐसे नहीं टोली की बात नहीं है, लेकिन कम से कम अगर सिर्फ पूछते भी है तो आप पूछे तो सही ना। तो इसलिए आपको पता है कि मधुबन में भी हर रोज रात को मामा आती थी, मामा पूछती थी सभी को आप ठीक हो, कैसे हो, कोई डिफिकल्टी है, कोई बात है, और उसके वजह से फैमिली जैसे सदा एक हो करके रही, एक यज्ञ की तरह एक साथ रहे। फिर जब मामा ने शरीर छोड़ा तो दीदी मनमोहिनी ने वो पार्ट प्ले किया, वो तो डिटेल में भी जाएगा, आपको किसी को ब्रश चाहिए, किसी को टूथपेस्ट चाहिए, कभी कभी आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं ना, लेकिन वो इतनी छोटी छोटी बातें पूछती थी, सब कुछ स्टॉक में रखती थी। कोई हमारे पास आते थे तो कुछ चाहिए, बाबा का भंडारा तो है ही, और कुछ भी छोटा बाबा के भंडारे से कुछ मिलता उनको तो इतनी खुशी ना कि ये मुझे बाबा के भंडारे से मिला, मुझे ये सुरक्षित रखना है, मुझे बाबा से मिला है, क्योंकि बेहद बेहद का परिवार है ना, तो स्नेही तो स्नेह संपन्न किस आधार पर, बाप दादा के स्नेह के आधार पर, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, दादिया है, तो ये पूरा यज्ञ की जो कहानियां है सारी प्यार पर ही आधारित है। तो जब बाबा कहते हैं कि मेरे जैसे बनो, मतलब क्या, बस बनो बाबा जैसे स्नेही,
think or say. और फिर आप कभी नहीं सोचेंगे या कभी नहीं कहेंगे कि कम मिला. मुझे याद है कभी कभी कहते हैं हमारे पास ये नहीं है. एक बार बाबा का बच्चा दादी जानकी के पास गया तो दादी ने कहा कैसे कह सकते हो कि मेरे पास ये नहीं है. तो हम कैसे कह सकते हैं बाबा के यज्ञ के लिए ओ हमारे पास ये इतना नहीं है या ये इतना नहीं. मैं हमेशा कहती हूँ हमारे पास बहुत है, हमारे पास बहुत है. और सच में बहुत हो जाता है. एक कहावत भी है ना कि कमी की सोच अगर है तो फिर सब कुछ कम ही लगता है. तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है. सद्नारायण की एक कहानी है कि मेरे बोट में कुछ नहीं है. And I always go in front of Baba and everyone else. मैं हमेशा बाबा के पास जाती हूँ. किसी के भी पास सामने होती हूँ तो ये कहते हमारे पास बहुत है. एक बार हमारा कॉल ऑफ द टाइम का डायलॉग चल रहा था तो वो तो शांति में साइलेंस में थे और मुझे लगा कि किसी किसी को समझ में नहीं आया कि साइलेंस में दो दिन क्या करना है. तो मैंने कहा कि इनों को ये बुक दे दो साइलेंस पर जो है. तो एंथनी भाई की कोई बुक लिखी हुई है सीकिंग साइलेंस. तो वो साइलेंस वाली बुक उनको दी दो दिन. फिर मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि कौन पे करेगा. तो मैंने कहा मैं पे करूंगी. अगर मैं 50 बुक्स मंगा रही हूँ $8 की एक बुक है तो उसका जो भी है 400 में वो मैं पे करूंगी. तो फिर अचानक उस डायलॉग में से एक बंदा उठा और वो बुक स्टोर में गया और उसने कहा कि कॉल ऑफ द टाइम में जितने लोग आए हैं और जो पीस विलेज निवासी हो सभी को मिलाकर जितना भी बुक का खर्चा मैं देना चाहता हूँ. तो आपको केवल संकल्प करना है. तो मेरे पास तो पैसा नहीं तो मैं तो बाबा के भंडारे से ही दूंगी ना. लेकिन संकल्प तो किया कि देंगे. तो ये स्नेह है, ये प्यार है. क्योंकि ये संकल्प क्यों आया, क्योंकि उन आत्माओं की जरूरत थी. अगर उनके पास बुक होगी तो वो और अच्छे से शांति का अध्ययन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं. मैंने ऐसे नहीं सोचा कि अगर उनको बुक मिलेगी तो वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. नहीं, हम इस तरह से नहीं सोचते ना. अगर हम अपनी जीवन बाबा को समर्पित कर सकते हैं, पूरी जीवन तो कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है ना. तो हम कैसे करते हैं, क्योंकि बाबा से प्यार है. तो अगर हमें सफलता मूर्त बनना है तो बहुत बड़ी दिल, फ्रांक दिल, रहम दिल, ऐसे कई सारी बातें हैं जितने भी है पांडव भवन में. तो कोई आया पांडव भवन में दादी के पास, क्या मुझे मिल सकता है. दादी रूम में आई और दादी ने कहा ये जो आई है बाहर बहन, इसको पहले जो चाहिए वो दो. तो जो कुछ भी किसी की सूक्ष्म कोई मनोकामनाएं होती है वो पूरी हो जाती है ताकि वो आत्मा को खुशी का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो. कभी कभी मैं कुछ देती हूँ तो कोई कहते मुझे ये सच में चाहिए था, इसीलिए ये संकल्प मुझे आया. तो प्यार केवल ये नहीं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मेरा रहम भाव है आपकी तरफ, नहीं, परंतु दिल का स्नेह हो. कईयों के प्रति आपको सच में रहम फील होता है. तो जब ये पूरा विषय ऊपर आया कि सहयोग मिले तो ये सच है. प्यार के आधार पर सहयोग मिलता है. अगर आप स्नेही हैं, बस स्नेही बनना है कि आपको अपना भी कुछ नहीं देना है, बस बाबा से लेते रहना है और लेते रहना है. बाबा का प्यार है जो हमारे द्वारा अनुभव कर सकते हैं. अगर मैं दे रही हूँ तो बात अलग, लेकिन अगर परमात्मा स्नेह का सागर और मैं स्नेह से देख भी नहीं रही हूँ, थोड़ा अहंकार है, थोड़ा मैंपन है, थोड़ा तेरा मेरा है, तो फिर वो तो आत्माओं को हेल्प नहीं करेगा ना. लेकिन अगर सच्चा प्यार है, स्नेह है, तो सहयोग सदा मिलता रहेगा.
इसलिए मैं कई बार ये उदाहरण देती हूँ कि बाबा कहा करते थे कि बहुत सारे बच्चे मेरे से भी होशियार है, बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत आगे जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नंबर वन मिलेगा क्योंकि मैं सबको सुख देता हूँ, मैं सुखदाता हूँ। सुख देना इंग्लिश में हैप्पीनेस को खुशी कहते हैं, परंतु वास्तव में उसका डीप अर्थ सुख देना है। बाबा सुख की बात करते हैं कि आप दूसरों को सुख दो, तो जब बाबा कहते हैं कि आप समान बनो, मेरे जैसे बनो, फॉलो फादर करो, तो आप हमेशा सोचते हैं कि हम कैसे बाबा समान बने, क्या मिला है बाबा से जो हम शेयर कर सकते हैं। ये भी सच है कि कईयों को अनुभव नहीं है ब्रह्मा बाबा के सामने खड़े होने का, लेकिन ब्रह्मा बाबा बहुत बहुत छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत केयर करते थे, बहुत संभाल करते थे। एक बार मैं दिल्ली में बाबा को होस्ट कर रही थी और सुबह की बात है, शायद 3:45 होंगे, और किसी का घर था, बहुत बड़ा घर था, और जो उसका मेन हिस्सा है वो बाबा को दिया, और जो बाबा के साथ आए थे तो मैं और एक और एक बहन थी, वो हम लिविंग रूम में ऐसे सोफे को बाजू में करके वहाँ बीच में सो गए, और बाबा बीच में आए। अचानक से मैंने बाबा को देखा तो बाबा ने कहा बच्चे उठो, तो मैं तो 22-23 साल की थी, मुझे अभी भी याद है, और मैं उठी तो बाबा ने कहा उठो बच्ची, तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बाबा ने कहा बच्ची बाहर बारिश हो रही है और कल 2000 बच्चे आने वाले हैं, सब कुछ गीला है, लॉन गीला है, सब गीला है, वो लोग कहाँ बैठेंगे। तो बाबा ने मुझे लिया और फिर उठकर हम चलने लगे कि जहाँ कंक्रीट है, जहाँ थोड़ा कवर्ड एरिया है देखा, और फिर हमने थोड़ा ढूंढा तो थोड़ा मिला भी कि ये स्थान यूज कर सकते हैं, बाकी जगह सब गीला था, अगर फिर भी गीला रहा तब तक भी तो हम ये जगह यूज करेंगे। तो बाबा को ये फिक्र थी, एक्चुअली तो हमारी फिक्र होनी चाहिए थी क्योंकि हम होस्ट कर रहे थे, लेकिन हर कदम बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे परिवार के लिए संभाल करनी है, और वो केयर भी तो बाबा का स्नेह है ना। Kind of hold us tight or ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा हमें बहुत टाइटली पकड़ के रखेगा या सारा दिन हाथ पकड़े रहे, नहीं, लेकिन क्या किया हमारे लिए, क्या सिखाया हमें, बहुत कम भी था चलो, फिर भी जो भी फैसिलिटी थी, जो भी साधन थे बाबा ने वो हमें प्रोवाइड किए उस समय। बाबा हमेशा जैसे दादी प्रकाशमणि कहती थी ना, आपको क्या खाना पसंद है, आप क्या खाएंगे, तो बाबा तो कहेंगे हमें गुलाब जामुन पसंद है, हमें समोसे पसंद है, हमें चिप्स पसंद है, जो भी, और इतनी खास बात है, जैसे दादी एक बार ने कहा, दादी कहती मैं एक बार कहती हूँ, और उस समय 40 डिपार्टमेंट थे, अभी तो और होंगे, लेकिन हर कोई तुरंत हाँ दादी हाँ दादी। तो इमेजिन कीजिए आपकी सुबह में दादी प्रोग्राम देती है कि आज पिकनिक है, आज ये है, और सभी तुरंत तैयार हो जाते थे करने के लिए। ये दादी का प्यार ऐसा था जो सभी को सहयोगी बना दिया उसने, और बहुत ही एक्टिव भी रहे। तो हम सभी के लिए भी यही है कि बहुत हमें स्नेही बनना है, प्यारा बनना है, आपके प्यार की शक्ति, आपके स्नेह की जो शक्ति है वो सभी को सुख देगी, सभी को खुश करेगी, सभी को स्नेही बनाएगी। मुझे याद है एक बार मेरी कैटरैक्ट की सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपका प्रेशर ऊपर हो जाएगा तो कुछ दर्द भी होगा, तो आप तुरंत मिडनाइट भी होता आप मुझे कॉल करना और आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन उस समय कौन लेगा।
तो एक भाई है, मैंने उसको 12:30 बजे कॉल किया और मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने कहा हाँ जी मैं आता हूँ। और ये कोई लौकिक भाई नहीं है, ये हमारे अलौकिक भाई है, अलौकिक बहन। और उस समय फिर आपकी दिल क्या होता है, आपकी दिल से शुक्रिया ही नहीं लेकिन बहुत सारे शुभ भावनाएं भी निकलती है। बाबा जब कहते हैं वरदान दो, ऐसे नहीं कि हम बोलते रहे मुख से आपको ब्लेसिंग्स, आपके नहीं, इन जो कर्म करते हैं, आपको जब सुख मिलता है, आपकी जब इच्छा पूरी हो जाती है, आपको जब सहयोग मिलता है, आपको सही समय पर हेल्प मिलती है, तो आपके दिल से क्या निकलता है? ब्लेस यू। जो कुछ वरदानों के रूप में मिलता है तो वो तो सदा काल के लिए जैसे मिलता है। तो ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है। मैं सोचती हूँ, समझती हूँ कि संगम युग पर ये जानते हुए कि हम आत्माएं है, परमात्मा की संतान। एक बार मुझे याद है कनाडा में एक बहन, उसको अचानक ये संकल्प आया, छोटी सिटी में थी, उसने ये संकल्प आया और उसने बहुत सारे ब्लेसिंग्स प्रिंट किए और जहां भी बेंचेस थे, जहां भी बसेस थे, तो वहां पर वो ब्लेसिंग लगाती थी। जब भी लोग आकर बैठते थे तो वो ब्लेसिंग पढ़ते थे, तो कहते थे अच्छा ब्लेस यू, आपने ये मेरे लिए ब्लेसिंग छोड़ा है। तो बाबा कहते हैं कहीं है जो ज्ञान में नहीं है लेकिन जब रहम भाव है, रहम दिल है, तो आपको सभी आत्माओं के लिए कुछ ना कुछ करने की भावना आती है कि उनको कुछ मिलना चाहिए, उनको बाबा का मैसेज मिलना चाहिए, उनको बाबा का परिचय मिलना चाहिए। तो ये ऐसी जगह जहाँ हम बेहद में जाते हैं, बेहद के बनते हैं, बेहद में रहम दिल, बहुत ही स्वाभाविक रीति से, चाहे जो कुछ बाबा ने दिया है, कुछ गाइडलाइंस भी है, हमारी मर्यादाएं भी है, वो इसलिए नहीं कि हमें बंद के रखे, नहीं, लेकिन हमारी उसमें सुरक्षा है, हम अपने आप को सुरक्षित रखे और जमा करें शक्तियां उन मर्यादाओं को श्रीमत को फॉलो करते हुए। तो ये बहुत ही खास है, बाबा के जो स्नेह की कहानियां है वो तो बहुत है। तो ऐसे स्नेही बनना और सदा रहम दिल। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू ओम अवेक्ति शांति। अव्यक्ति जर्नी में जर्नी। आज हम आदि रतन के बारे में देखेंगे। दादी एक नामी और इकोनॉमी स्वरूप। बूढ़ी दादी जी वो आदि रतन थे जो अथक सेवाधारी बनकर अंत तक सेवा करते रहे। बाबा खुद जैसे कि उनकी विशेषताओं की गीत गाते थे, बाबा कहा करते थे बच्ची भूरी बहुत सारी विशेषताओं से संपन्न है। पहले वो बहुत ही निश्चय बुद्धि आत्मा है, उसका निश्चय कभी भी हलचल में नहीं आता है। दूसरा
वो हमेशा बाबा के प्यार में समाई रहती है, लवली आत्मा है। तीसरा, to give happiness to others. वो विशेष पुरुषार्थ करती है दूसरों को सुख देने का। चौथा, वो इकोनॉमी की स्वरूप है, और इकोनॉमी स्वरूप है एक नामी, एक की होकर के रहना ऐसे। और इकोनॉमी स्वरूप बाबा ने उन्हें ये जिम्मेवारी दी थी कि आप बाबा के बच्चों को जब वो ट्रेन स्टेशन पर या बस स्टेशन पर आते हैं तो उन्हें रिसीव करना और फिर आगे मधुबन ले जाना। उन दिनों यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी, तो जो रोड ऊपर पहाड़ी पर जाते थे वो रोड भी इतने अच्छे नहीं थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे। The only way to go up the mountain, पहाड़ी पर ऊपर जाने का बस एक ही तरीका था, वो है लोकल बसेस की तरह, लोकल बसेस के द्वारा। तो दादी खुद ऊपर नीचे करते थे आबू रोड पर, ताकि उन बच्चों को वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से ऊपर ले आ सके। अपने रास्ते में वो बाबा की महिमा के गीत गाते जाते थे, बाबा के साकार दिनों के कुछ कहानियां बताते थे, और बाबा के बच्चों को बाबा से मिलन मनाने के लिए जैसे कि तैयार करते थे। दादी would just come up. दादी बस ऐसे ऊपर आती थी पूरे ग्रुप को रिसीव करके, तो बाबा उनको बुलाते थे। बाबा कहते थे, बच्ची हमारे पास दूसरा ग्रुप आया है, क्या आप जाकर उन्हें रिसीव करोगे? दादी हंसती थी और हंसी में कहती, जी बाबा तुरंत जाती हूँ। Without wasting a second, दादी तो बिना एक सेकंड गवाए दादी तुरंत चले जाते थे उस ग्रुप को लेने के लिए। दादी क्या कहती थी कि बाबा के बच्चे Now, they should not have to wait. बाबा के बच्चे बाबा से मिलन मनाने के लिए कई जन्मों से रुके हुए, और अभी उनको एक सेकंड भी नहीं रुकना है, और इसलिए मैं तुरंत जाकर उन्हें रिसीव करूंगी और अपने बाबा के पास उन्हें लेकर आऊंगी। तो इतना उनके अंदर उमंग उत्साह था, और वो इस रीति से उनको बाबा के सामने ले आते थे। तो बाबा फिर से उनको बुलाते थे और कहते थे, We have another group coming. फिर कहते थे, बच्ची दूसरा और एक ग्रुप आ रहा है, क्या आप उनको लेने जाओगे? तो उसी उमंग उत्साह के साथ फिर से दादी कहती थी, हाँ जी बाबा मैं तुरंत जाती हूँ। Just like this, दादी would tirelessly up and ऐसे ही दादी हमेशा बहुत ही टायरलेस रीति से, अथक रीति से माउंटेन पर, उस पहाड़ पर 5-6 बार दिन में ऊपर नीचे करती थी, और वो वही नशा, उसी उमंग उत्साह से वो हर एक ग्रुप को ऊपर लेकर आती थी। एक दिन दादी जानती कुछ माताओं के साथ पूना से मधुबन आ रहे थे बाबा से मिलन मनाने के लिए, और आबू रोड में उसमें बहुत बारिश हो रही थी। तो एक छोटा सा जो ब्रिज था रास्ते में, माउंट आबू के रास्ते में आता है, वो टूट गया था, और मधुबन पहुंचने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, परंतु उस नदी को पार करने का एकमात्र उनके पास चॉइस थी। दादी जानकी जी was very determined to meet Baba. She sent the message. दादी जानकी का ये बहुत ही दृढ़ संकल्प था कि उन्हें बाबा से मिलना ही है, तो उन्होंने बाबा को मैसेज भेजा कि बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमें चलना भी पड़े
तो भी हम अपने बाबा से मिलने जरूर आएंगे. कोई भी बात हमें रोक नहीं सकती है इस समय. तो बूढ़ी दादी ने ये संदेश सुना, वो नीचे गए अबू रोड और वो ब्रिज के पूरे क्रॉस उस तरफ जैसे गए, दादी जानकी जी से मिले, सभी माताओं से मिले और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे चलने लगे एक साथ, जैसे गिरे हुए टूटे हुए ब्रिज के ऊपर से कहो या बाजू से जैसे भी, पर वहां से वो निकल कर आए. और फिर जब वो मधुबन आए तो बहुत देर हो गई थी, जैसे आई थिंक 11 बजे होंगे रात के. फिर भी एक बहुत ही सुंदर सीन ड्रामा में नोंदी हुई थी, जैसे रुकी हुई थी वो सीन उनके लिए. बाबा गेट पर खड़े थे अपने दोनों बाहें फैलाए हुए. Hot water pots, little tables, and napkins. बाबा ने उनके लिए गर्म पानी, नैपकिन सब कुछ अरेंज किया था. तो दादी ने पूछा, बाबा ये सब क्या है? तो बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, बच्चों आपका स्वागत है, स्वागत है. आओ, मुझे आपके गर्म पानी से आपके पैर मसाज करने दो, धोने दो. आपने इतनी मेहनत की मुझे मिलने के लिए, तो मुझे तुम्हारी सारी थकावट अभी दूर करनी है. दादी ने कहा, बाबा आपको देखते ही बस हमारी सारी थकावट चली गई है. आपकी लाइट और माइंड हमने हमें बहुत रास्ता दिखाया है. Looking at this beautiful scene. इस सुंदर दृश्य को देखते ही हर एक की आंख जैसे कि स्नेह के मोती से भर गई, खुशी के आंसू जैसे सबके नैनों में दिखाई पड़ते थे. और बूढ़ी दादी ने कहा, बाबा व्हाट कैन आई डू इन रिटर्न फॉर दिस ग्रेट लव, इस महान प्यार के बदले मैं क्या कर सकती हूँ. सच वाज आवर स्वीट बाबा, इतना मीठा था हमारा बाबा और हमारी दादियाँ. बाबा कहा करते थे, बूढ़ी बच्ची सदा शांत और खुश रहती है. वो हमेशा बाबा की जो प्रेजेंस है अपनी स्माइल के द्वारा सभी के सामने ले आती है. वो बहुत मेहनत करती है दूसरों को खुश करने में, सुख देने में. उनके नैन हमेशा चमकते रहते हैं परमात्मा स्नेह के मोतियों से. शिव बाबा की पहचान
अच्छा ओम शांति। तो अभी पांडव आएंगे कल के शेड्यूल में। आपने देखा कि अभी तक तो आपको बाय हार्ट हो गया होगा कि इंग्लिश अवध मूली चलेगी कल 5 to 6 तक। Rest of the schedule remains same. Thank you very much. And now we look forward to hear from our Pandavas. So today we have Pandav brother Sarjeet, who will be sharing experience. And we have Pandav brother Kushal. So, Kushal bhai aur Arul bhai. दोनों कुमार भाइयों का स्वागत है। खुशाल भाई है और कौन शांति मोहिनी दीदी और एक भाई शांति भूमि बहन एंड माय स्वीट लवफुल ब्राह्मण परिवार एंड लास्टली ओम शांति सरजीत भाई। सो आई एम प्रिविलेज्ड यू नो टू सरजीत भाई आए ये बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हूँ अवक्ति परिवार के साथ। तो कल का ये अभ्यास था कि सोचो और फिर करो। सोचना सोच में क्या आता है पहले, तो सोच चलता है फिर उसमें कर्म में आते हैं। तो हम सोच रहे थे कि सोच में क्या होता है, अगर ये दोनों के बीच में अगर थोड़ी सी समानता है तो उसमें बहुत सरलता हो जाती है। तो आज का भी ऐसा ही है, स्नेह और सहयोग। तो सरजीत भाई ये टोरंटो सेंटर से है और सरजीत भाई की ये विशेषता है कि वो बहुत धैर्यता से रहते हैं, बहुत ही काम रहते हैं, बहुत कूल रहते हैं, न चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और मुझे उनकी ये विशेषता बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत कभी कभी हार्ड होता है कोई कोई परिस्थिति में एकदम शांत रहना। तो कई बार हम कहते हैं ना जल्दी 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 करते हैं तो उसमें सब वेस्ट हो जाता है, हरी वरी करिए। तो बता रहे हैं कि सरजीत भाई से पूछ रहे हैं कि क्या आप अपना अनुभव शेयर करेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड, कि स्नेह के कारण सहयोग मिलता है, स्नेह सहयोग को लेकर आता है, क्या आपका इसमें कोई अनुभव है? ओम शांति, ओम शांति। खुशाल भाई शुक्रिया, आपने मुझे जैसे वरदान ही दिया। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने जो रिसेंटली ये कहानी है, मैंने अपनी लौकिक बहन को विजिट किया और जब मैं पहले वहाँ गया तो मुझे अच्छे वाइब्रेशंस नहीं फील हुए। मुझे ऐसा लगा मैं कहीं और चला गया हूँ, कोई किसी दूसरे के घर में चला गया हूँ। पर फिर मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा टेबल रखा और बाप दादा की फोटो रखी और फिर मैंने बाप दादा को वहाँ उस रूम में इन्वोक किया, आह्वान किया और मैंने देखा कि उसके के वाइब्रेशंस जैसे थोड़े बदलने लगे। जैसे मैं वहाँ योग कर रहा था तो योग से उसका प्रभाव पड़ा और फिर मैंने भोजन भी बनाया, ब्रह्मा भोजन भी बनाया। तो मैं ब्रह्मा भोजन बना कर बाबा को ऑफर करूंगा। तो जो मैं अपने घर कर रहा था वही मैंने सारी मर्यादाएं पूरी फॉलो की अपनी लौकिक बहन के घर में भी। और ऐसे करते हुए तो जैसे दूसरा दिन भी मुझे ऐसे ही फील हुआ कि ये तो बाबा का ही घर है, क्योंकि मैंने भोग स्वीकार करा और मैं अकेला नहीं, इस बार मेरी पूरी परिवार मेरे साथ बैठा भोग लगाने के लिए। तो बाबा को इन्वोक करने से, जैसे कि पूरे कस्टम फॉलो करने से, मुझे अनुभव हुआ कि सभी का सहयोग मुझे मिला अपने आप ही।
और दूसरे तीसरे दिन के दिन मुझे ऐसा लगा ये भी बाबा का ही घर है. तो ये एक बहुत ही जैसे विशेष अनुभव मुझे मैंने किया. बहुत ही सुंदर अनुभव है ये. When you draw your power from, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब हम बाबा से शक्तियां लेते हैं और उसको यूज करते हैं. And I guess it's the same thing that happened with your Laukika. So aise hi dekhte hai ki Baba ka sneh, Baba ki shaktiya, sab kuch aapko feel hua ki aapne sneh ko banaye rakha. To Sarjit Bhai, jaise aapne ye example share kiya apne Laukik parivar ke liye, aisa hi koi aapka anubhav hai jo जो ब्राह्मण परिवार है या और कोई लोग है? जी हाँ, जरूर है. ऐसा भी अनुभव मैंने किए हैं जहाँ हम पांडव कभी किचन में एक साथ काम करते हैं तो उसमें जब माता हमें पूछती है कि आप बड़े बड़े बर्तन धोएंगे तो हम बड़े बड़े हम वो पांडव करते हैं बहुत प्यार से स्नेह से. तो माता हमें कहती है कि किचन का पोछा लगाओ या कुछ करते हम वो भी पोछा लगाते. तो हमारे लौकिक घर में अगर कुछ कहते तो मैं कुछ नहीं करता. मैं उसी उमंग उत्साह से तो बिल्कुल नहीं करता. क्यों? क्योंकि ये बर्तन धोने की बात नहीं है लेकिन वो वातावरण ब्राह्मण परिवार का वातावरण वहां लेकर आना. वो वातावरण के कारण जो कुछ हमें इम्पॉसिबल लगता है असंभव लगता है वो हम कर लेते हैं. तो ये वातावरण हमें दिखाई पड़ता है जब माताएं कुछ कहती है कुछ करता है तो हम सभी भाई जाते हैं और कोई भी काम बहुत ही जल्दी फिनिश करते हैं. हमारे पास स्नेह है बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति और सेंटर के लिए भी कि कहीं भी बुलाते हैं तो हम आ जाते हैं क्योंकि वो स्नेह के कारण हम कर रहे हैं. अगर वो स्नेह नहीं है मैं शायद बिल्कुल नहीं कर पाता जो मैं करता हूँ. ये बहुत ही सच बात है सचित भाई, क्योंकि हम दोनों एक साथ करते हैं किचन के पीछे वाली सेवाएं. बहनें और माताएं नोट्स लेकर आते हैं और हम उनको देखते रहते हैं ओके इनफ बहुत हो गए. लेकिन अपने दिल में हमें कभी नहीं फील हुआ और नहीं लेकर आओ. लेकिन इतना प्यार है बहनों का हमारे प्रति, स्नेह है तो हम कहते हैं हाँ हाँ लेकर आओ हम करेंगे करना करेंगे. देखिए ये सच है. हम घर में तो दो तीन बर्तन भी ऐसे करे ये कौन करेगा लेकिन सेंटर पर करते प्यार से. अच्छा सचित भाई, आपका आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या ऐसा कोई युक्ति आपके पास है या तरीका ज्ञान का कोई पॉइंट जो हमें हेल्प कर सकता है या हमारे लिए बेनिफिट कर सकता है ब्राह्मण परिवार को ताकि वो अपने रूहानी यात्रा में आगे बढ़ सके. जब ये मन मना भव की सीरीज स्टार्ट हुई तो मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी कि मैं एक यात्री हूँ और जब मैं अभ्यास कर रहा हूँ कि मैं यात्री हूँ तो कुछ भी आता है चाहे अच्छा चाहे बुरा मेरा मन उस पर फोकस नहीं करता है क्योंकि ये सब जैसे साइड सीन्स है चाहे अच्छा है चाहे बुरा है पर आता है जाता है आता है जाता है. तो उस अभ्यास के कारण यात्रीपन का अभ्यास जो किया उसके कारण मैंने देखा कि मेरी स्थिति बहुत अचल रही. तो जब स्थिति शुरू हुई मैं फिर भी ट्रैवल कर रहा हूँ उस समय भी लेकिन साथ में अंदर भी मुझे फीलिंग आ रही कि मैं यात्री हूँ मैं ऊपर की ओर मेरी यात्रा है. तो कुछ भी आता है मैं ऊपर चले जाता हूँ तो मुझे अफेक्ट नहीं करता प्रभाव नहीं करता है वो बात मुझे प्रभावित नहीं करती है. तो ये बात वही हुई बहुत अच्छा है अनुभव. तो ये बात वही है जैसे कहना कि बाबा को हमेशा कंपेनियन की तरह रखनो कि मुझे ये बात शेयर करनी थी. थोड़ा नर्वसनेस फील हुआ लेकिन फिर मुझे
अचानक संकल्प आया कि अगर आप अपने बाप का हाथ पकड़े हुए हो तो आपको तो निडर होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और मैंने नॉर्मल जैसे बातचीत कर रहे हैं भाई से, ऐसे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा। ओके सरजीत भाई, क्या आप आजकल का होमवर्क शेयर करेंगे? तो ये कल का होमवर्क है जिसकी पॉइंट है मन मना भाव सुख का संसार। अब आप सुख के संसार में हो, सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हैं, सुख के सागर बाप के बच्चे हैं। जब मन बाप की तरफ लग गया तो दुख कहाँ से आया? जब मन को बाप के सिवाय और कहाँ लगाते हो तब मन का दुख होता है। अगर आप मन मनाभव स्थिति में हो तो दुख नहीं हो सकता है। तो अपने मन को बाप की तरफ लगाया है या और कहीं और, अगर मेरा है तो दुख है। हाँ, लेकिन तेरा तेरा कहते सच में तेरा बन जाता है। Man Mana Bhava, the world of happiness. You have now come to the world of happiness. You are souls who are embodiments of happiness and belong to the bestower of happiness. You are the children of the Father, the ocean of happiness. Since your mind is focused on the Father, how can there be sorrow? When you focus your mind on anything other than the Father, then it experiences sorrow. If you are Man Mana Bhava, there cannot be sorrow. So is your mind directed to the Father or somewhere else? If it is mine, there is sorrow by saying yours, yours. It truly becomes yours.
सुख का संसार। अब आप सुख के संसार में हो, सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हैं, सुख के सागर बाप के बच्चे हैं। जब मन बाप की तरफ लग गया तो दुख कहां से आया? जब मन को बाप के सिवाय और कहां लगाते हो तब मन का दुख होता। मन मना भव है तो दुख नहीं हो सकता। तो मन बाप की तरफ है या और कहां है? तेरा है तो दुख नहीं, मेरा है तो दुख है। तेरा तेरा करते तेरा हो गया। Thank you.